हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आज देख रहे हैं बिल्डिंग टेक। मेरा नाम है दीपक। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज लाइफ को एक बेहतरीन दिन मैं आपको इसको मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है जल्द से जल्द। और आज मैं कोरोना की जो वैक्सीन है उसका फर्स्ट डोज लेने वाला हूँ। इसमें लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट डोज आज मेरा है और टाइमिंग है 3 से 5। अभी मैं निकल गया हूँ सेंटर के लिए, तो मिलते हैं सेंटर जाकर। और उसके बाद आपको पूरा वीडियो मिलेगा, क्या प्रोसेस रहा, कैसा प्रोसेस है, कैसे कैसे वैक्सीन लग रही है, और कितने देर के लिए ऑब्जर्वेशन के रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, नहीं होता है, इतने कुछ दिनों बाद क्या हुआ। तो उस सब के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे साथ जो रहते हैं, वो एक्चुअली वैक्सीन ले चुके हैं, फर्स्ट डोज उनका लग चुका है। तो वो मेरे से पहले पहुंच गए थे एक्चुअली वैक्सीन सेंटर। तो अब जो एक्साइटमेंट है ना, वो बहुत बढ़ गया है कि मैं कब पहुँच जाऊँ, कब पहुँच जाऊँ सेंटर। और ये रास्ते की जो दूरी है वह घट नहीं रही है, बहुत अब लंबा रास्ता लग रहा है, कब पहुँचेंगे, बस जल्दी से पहुँच जाए, फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। सॉरी दोस्तों फॉर इनकन्वीनियंस, अंदर की मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि परमिशन नहीं थी, लेकिन फाइनली मुझे वैक्सीन लग चुकी है। और मेरा दोस्त ने, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में बताया था, उन्होंने पहले ही लगवा लिया है। तो वैक्सीन लगने पर कुछ मतलब समझ नहीं आता कि लगी हुई है या नहीं। आप मतलब इतना कंफर्टेबल रहे हुए, आप समझ नहीं आएगा कि वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम जाते हैं, सबसे पहले देख लेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सब मैच कर लेंगे, बाकी बिठा देंगे। उसके बाद में ये है कि वो कम से कम वैक्सीन लगते टाइम कम से कम 10 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का है कि वो एक बार निकालने के बाद आधे घंटे में ख़राब हो जाएगी, इसलिए कम से कम 10 लोग होना चाहिए, तभी लग रही है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बाकी सब ओके है। और जो भी कुछ होगा आगे की वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।